Realme 11 Pro Plus 28,000 में आता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। Vivo V27 आता है 33,000 में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। लेकिन आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कैमरा किसका बेटर है, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 11 Pro Plus से Vivo V27। हालांकि अभी मेरे हाथ में Vivo V27 नहीं है, लेकिन कैमरा टेस्टिंग, वीडियो टेस्टिंग और गेमिंग जो भी चीजें हैं और जितने भी सैंपल्स हैं, रिजल्ट हैं, वो सब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है Vivo V27 के साथ और Realme 11 Pro Plus के साथ, वो सभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए फोन Realme 11 Pro Plus है या Vivo V27। मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। देखो, सबसे पहले बिल्ड और डिजाइन पर नजर डालते हो तो Realme ने यहाँ पर कुछ अलग करा है। बिल्कुल यूनिक डिजाइन मिलता है, लेदर फिनिशिंग के साथ आता है, कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरह से मिलता है जो काफी तगड़ा और प्रीमियम फील होता है। फ्रंट में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, पंच होल वाला डिस्प्ले जो कि सेंटर में पंच होल है। लेकिन Vivo V27 का डिजाइन भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर इन्होंने कलर चेंजिंग बैक पैनल दिया है जो अपने आप में अलग ही फील होता है। सनलाइट में आप फोन को यूज करते हो तो आपके हाथों के निशान वहीं पर छप जाएंगे, या ज्यादा देर तक फोन को पकड़ के रखते हो तो कलर चेंजिंग है जो कि अपने आप में अलग ही चीज है। और यहाँ पर भी फ्रंट में कर्व डिस्प्ले मिल जाता है जो कि पंच होल वाला है, सेंटर पर दिया गया है। और हाँ, बैक में जो मटेरियल है ना, वो ग्लास पैनल है। दोनों ही फोन में बेजल बहुत कम है और दोनों ही फोन इन हैंड काफी अच्छा और प्रीमियम फील कराते हैं। लेकिन डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। Vivo V27 का थोड़ा सा बड़ा है डिस्प्ले, 6.78 इंच का, Realme में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क है बस। दोनों ही फोन में HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है और 1 बिलियन कलर मिलते हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है दोनों ही फोन में। बाकी वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको दोनों ही फोन में वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, कलर काफी प्यारे मिल जाते हैं, डिटेलिंग आपको मिल जाती है, 4K में आप YouTube पर वीडियो देख सकते हो HDR में। लेकिन दिक्कत यहाँ पर Realme के साथ ये है कि जब आप 4K वीडियो प्ले करते हो YouTube पर तो स्मूथ वीडियो नहीं चलती है, अटक अटक के वीडियो चलती है। लेकिन Vivo V27 में आप स्मूथली वीडियो प्ले कर सकते हो, 4K का मजा ले सकते हो और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है Vivo में 4K स्ट्रीमिंग के साथ। लेकिन साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों फोन में आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं टॉप और बॉटम में। साउंड क्वालिटी दोनों में लगभग सेम है, लेकिन दोनों ही फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। कैमरे में ना यहाँ पर एक बड़ा फर्क देखने को मिलेगा सुनने में। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपका जो फर्क है ना, उसके हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाएगा इधर से उधर। जैसे कि Realme में ना आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, OIS कैमरा है, मैन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन Vivo V27 में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन ये भी OIS कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। लेकिन फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों साइड में 50 मेगापिक्सल का मिलता है और प्राइमरी कैमरा जो है वो OIS कैमरा है। दोनों ही फोन से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरे से। क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको पता होगा मैंने Realme का कैमरा टेस्ट किया था अलग से बाहर जाकर, और Vivo V27 का भी मैंने कैमरा टेस्ट किया था जिसमें डिटेल में आपको कैमरा टेस्टिंग दिखाई थी, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं Vivo के और Realme के भी। तो यहाँ पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कंपैरिजन वीडियो में क्या होता है कि अगर एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा ना, वीडियो ना 15-20 मिनट से ऊपर हो जाएगा जो आप देखोगे नहीं। लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर देखेंगे ना दोनों फोन को कंपेयर करके एक साथ रख के, तो क्वालिटी जो बेटर मिलती है ना, इन शॉर्ट वो Vivo में मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था Realme में कैमरे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी खराब है। 200 मेगापिक्सल से जो फोटो क्लिक करते हो ना, उसकी क्वालिटी अच्छी है। जिस इस ऑब्जेक्ट का मैंने फोटो क्लिक किया था और जूम करके देखेंगे तो आप डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्लियर फोटो मिल जाता है। कलर की अगर बात करें दोनों फोन से, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको Vivo का और ये Realme का, तो आप देख सकते हो कलर जो है ना दोनों में सेम है, एक जैसे ही है, काफी प्यारे कलर है और नेचुरल है। लेकिन हल्का सा ना आपको ब्राइट जो लगेगा वो Realme का लगेगा और हल्का सा डार्क Vivo का लगेगा, और Vivo का ऑप्टिमाइज भी है कंपेयर टू Realme। अगर जूम करके देखते हो ना तो दोनों ही फोटो में आप डिटेल देख सकते हो, लेकिन ज्यादा जो डिटेलिंग मिलेगी वो आपको Vivo V27 में मिलेगी। यहाँ पर आप देखो जो सुबह सुबह की ओस होती है ना, वो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो यहाँ पर Realme का फोटो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर स्किन की बात करें ना, तो ये देखो Realme का है और ये Vivo का है। हालांकि दोनों ही फोटो अलग अलग एंगल के हैं, लेकिन डे लाइट में है, गार्डन है, स्काई है, एक्सपोजर वगैरह देखेंगे ना तो वो Vivo ने काफी अच्छे से मैनेज किया है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है स्किन को। लेकिन Realme ने यहाँ पर स्किन को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया है, एक्सपोजर थोड़ा सा ओवर है
और जूम करके देखेंगे ना तो थोड़ा खराब फोटो लगता है रियलमी वाला, लेकिन विवो V27 काफी स्टेबलाइज है, क्लीन है और डिटेल भी है। सेल्फी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नो डाउट विवो V27 की सेल्फी काफी प्यारी आई है। हालांकि Realme 11 Pro की भी सेल्फी अच्छी है, लेकिन कंपेयर टू Realme 11 Pro Plus विवो V27 की सेल्फी ज्यादा बेटर है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको सेल्फी कौन सी अच्छी लगी, बताना जरूर। शुरू के आधे घंटे के अंदर अंदर ना सबको रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करें ना तो दोनों ही फोन से आप बैक कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p में 60fps पर कर सकते हो, और Realme भी यहाँ पर ना अल्ट्रा स्टडी का फीचर मिलता है, इसे अगर ऑन कर देते हो तो वीडियो और भी ज्यादा स्टेबलाइज रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन विवो में यहाँ पर और ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर दिए कंपेयर टू Realme 11 Pro। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं स्टेबलाइज के लिए, और दोनों ही फोन से आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, दोनों ही फोन से वीडियो काफी स्मूथ रिकॉर्ड होती है। अच्छा एक चीज और, मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो सर्च करके देख रहे हो या YouTube ने आपको रिकमेंड किया या नोटिफिकेशन गया है, जैसा भी हो कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, और अगर कर लिया सब्सक्राइब नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोबाइल रिव्यूज के वीडियोज का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता ही नहीं है। और हाँ, विवो V27 में ना कैमरा फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, एडवांस फीचर मिलते हैं वीडियोग्राफी के लिए भी और फोटोग्राफी के लिए, काफी सारे टेम्पलेट मिलते हैं, फिल्टर्स मिलते हैं, पोज मिलते हैं, वीडियो को कितना स्टेबलाइज रखना है ये फीचर्स अलग से दिए, काफी सारी कस्टमाइजेशंस। वैसे आप दोनों ही फोन से मून का फोटो क्लिक कर सकते हो जो कि अच्छा फोटो देखने को मिल जाता है, जो कि AI इनहेंस्ड है। बाकी मैंने विवो का एक सेपरेट वीडियो बनाया था कैमरा फीचर्स, जिसमें कवर किए थे 30 या 20 ऐसे फीचर्स मैंने कवर किए थे, तो वो वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको जो अच्छी मिलने वाली है वो विवो V27 में मिलने वाली है कंपेयर टू Realme 11 Pro। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि Realme 11 Pro Plus में ना आपको कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा। देखो जब हम किसी भी फोन को कंपेयर करते हैं ना दूसरे फोन के साथ, तो वहां पर देखो फर्क देखने को मिलता है, और वैसे भी प्राइस में आप देखेंगे 5000 का फर्क है। हालांकि Realme का भी कैमरा अच्छा है, अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन आप कंपेयर करते हैं जब Vivo V27 से तो आपको वहां ज्यादा चीजें मिलती हैं, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन। अगर प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की बात करें कि दोनों फोन में किसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, प्रोसेसर किसमें अच्छा है, तो सबसे पहले OS की बात करते हैं। Realme में आपको इनका अपना UI मिलता है Realme 4.0 जो कि Android 13 पर बेस्ड है, और Vivo में आपको मिल जाता है फन टच 13 जो कि Android 13 पर बेस्ड है। आप कमेंट करके बताना आपको किसका कौन सा UI पसंद है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो ये आस पास ही है, बट हाँ फर्क देखने को मिलेगा। Vivo V27 में प्रोसेसर जो मिलता है वो MediaTek का Dimensity 7200 मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है, और Realme में जो प्रोसेसर मिलता है ये भी MediaTek Dimensity का है 7050 जो कि 6nm पर बेस्ड है। ये प्रोसेसर जो है ना आस पास है, बिल्कुल भी आस पास नहीं है और बहुत दूर दूर भी नहीं है। आप इतना समझ सकते हो कि गेमिंग परफॉर्मेंस जो ज्यादा अच्छी मिलेगी कंपेयर टू Realme तो वो Vivo में मिलेगी, थोड़ी बैटरी लाइफ अच्छी Vivo में मिलेगी। इन शॉर्ट कंपेयर टू Realme 11 Pro प्लस Vivo V27 में आपको प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा बेटर मिल जाता है। नॉर्मली जब आप फोन को यूज करते हो ना तो आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैंने खुद यूज किए Realme में, अब भी कर रहा हूँ यूज। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी मिलती है Realme 11 Pro Plus में 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और 100W का फास्ट चार्जर मिल जाता है भाई। Vivo V27 में आपको 4600mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 66W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, जितने भी ब्रांड बैटरी देते हैं ना 5000, 6000 या 4000, चार्ज तो डेली करोगे। हो गया बात करें ओवरऑल दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, Realme 11 Pro Plus या Vivo V27, आपको कौन सा लेना चाहिए? तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें, Realme 11 Pro Plus आता है 28,000 में 8GB रैम 256GB स्टोरेज, और Vivo V27 आता है 33,000 में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। 5,000 रुपए महंगा नहीं है ये, 6,000 या 7,000 रुपए महंगा है, क्योंकि 128GB स्टोरेज मिल रही है और इसमें 256GB स्टोरेज मिल रही है, तो प्राइस का यहाँ पर फर्क है। अब इन दो फोन में ये कहना तो मुश्किल है कि भाई ये फोन नहीं लेना चाहिए या फिर ये फोन नहीं लेना चाहिए, दोनों ही फोन प्राइस पॉइंट पर ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि Realme में ना ऑप्टिमाइजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, 4K वीडियो देखते हो YouTube पर, उसमें भी रिकॉर्डिंग में भी
और कैमरा परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। इन शॉर्ट, अगर आपको स्पेसिफिक फोटोग्राफी के लिए फोन लेना है ना, तो विवो V27 की तरफ जाना अगर आपका इतना बजट है। कंजूसी करके Realme 11 Pro Plus लेते हो और फोटोग्राफी के लिए सोच रहे हो अच्छी फोटोग्राफी और अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इसमें आप खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो ये फोन भी बुरा नहीं है, इस फोन की तरफ भी आप जा सकते हो। काफी यूनिक लुक है, काफी अट्रैक्टिव है और अच्छी परफॉर्मेंस है इस प्राइस पॉइंट पर। और हाँ, आने वाले अपडेट में हो सकता है जो इसमें ऑप्टिमाइजेशंस की कमी है वो ठीक हो जाए। बाकी जो भी चीजें थी आपको बता दी, आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर है। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और हाँ कमेंट करके जरूर जाना, प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो।